सिंपल उनको कहना चाहिए कि जी बात यह है कि मैंने एक लंदन डील की थी, आ गया हूं, अब आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट आई एम हियर आई एम हम वो क्या हुक्मरान खानदान है। मियां साहब को ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया कि पंजाब में उसकी जो है वो जो चीज़ छोड़ के गए थे एक जमाने में वो उनके पास जो तख्ते लाहौर कहलाता था, हाँ वो जो है वो उनके उनका पंजाब उनके ग्रिप में नहीं है। माशी हालात हो, 16 महीने की हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क निकाल के रख दिया, बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ, बड़ी ज्यादा हुई। भाई आपने इक्तदार के मजे भी तो लूटे, असेंबली में फ्लोर पर खड़े होकर करते थे, तो क्या आवाम को आपने बेवकूफ समझ रखा है? आपके जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते तो कोई गिला नहीं था। अगर जनूबी पंजाब में जो लोग इस्तेहकाम में चले गए पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते तो कोई गिला नहीं था। ये था कि 2018 में इमरान खान साहब को दूध में पानी मिलाकर लाया गया, या नवाज शरीफ साहब को पानी में दूध मिलाकर लाना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सारी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, जिसमें वो अपने वाले साहब को स्पेयर नहीं कर रहे। आपके साथ अगर लड़लपन हो रहा है और आप बोले सवाल भी ना उठाएं और आप कहते हैं मैं जहाँ से उतारा गया था वहाँ पे मैं दोबारा बिठा दें, आपको 3 दफा पहले बिठा दिया गया था। देखिए उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही, उनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि इस वक्त उनको ला के बुला दिया है एक डील के तहत, अब उनको वो समझ नहीं आ रही कि मैं आगे कैसे जाऊँ। ग्राउंड रियलिटी जब देखते हैं वहाँ पे हर तरफ उनको पीटीआई नजर आती है, तो उनका क्या बना, क्योंकि उनका कोई बयानिया ना उनके करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है और ना किसी भी लिहाज से वो आवाम उसको एक्सेप्ट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान आ तो गया मगर आवाम ने नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके पास कोई बयानिया नहीं। पाकिस्तान आने से पहले नवाज शरीफ कहता था कि मट्टी पाओ पिछले जो भी काम हुए हैं, मगर अब नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से कहता है कि मुझे क्यों निकाला, इसका भी एहतसाब होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज लाइव शो में नून लीग को ऐसा बेनकाब किया कि मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जो हो गया मिट्टी पाओ जी, आगे चलो, अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमारा मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के वजीर आजम और वजीर आला बन के घूमते रहे। अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। किस मुल्क को खराब किया किसने, कोई उनसे पूछेगा? हर दफा हमें निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। सर ये क्या हो रहा है, ये पहले मियाँ साहब जो है वो आने से एग्जैक्टली पहले कहते हैं कि अब मिट्टी पाव नहीं होगा, फिर जैसे ही वापस आते हैं तो कहते हैं 40 साल सियासत का निचोड़ है कि सबको मिलकर आगे चलना चाहिए, अब वो फिर से जो बात कर रहे हैं एहतसाब की बात करें तो इतनी जल्दी यू टर्न तो खान साहब नहीं लेते थे जितना जल्दी मियाँ साहब ले रहे हैं। आपने पूछा कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक हो रहा है, इस सारे बयानिए की तलाश में आवाम का बयानिया कहाँ है? मुझे ये बताइए कि हर जमात इलेक्शंस के लिए उतर रही है, कोई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कर रहा है, टिकटें बांट रहे हैं, कुछ जलसे शुरू किए हुए हैं, आपने किसी जमात का मंशूर सुना? अभी तक मंशूर किसी जमात का तैयार नहीं है। इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आज से चंद दिन बाद आने वाला है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं, उसकी कोई गुफ्तगू नहीं है। आज अगर बड़ी पार्टियां मैदान में उतरी हैं तो वो इस बयानिए के साथ उतरी हैं। एक साहब कह रहे हैं कि 2017 में मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादा हुई, दूसरे साहब कह रहे हैं कि जी कि जनाब हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादा हो रही है। तो इस ज्यादा के अलावा जो लोगों के घर के अंदर खाने के लिए आटा नहीं है, साथ ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू करे। देखिए आज इस मुल्क में एक आम आदमी को नहीं पता कि उसने अपना महीना कैसे गुजारना है, उसने अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, और दिहाड़ीदार तबके को नहीं पता कि उसने अपना दिन कैसे गुजारना है। ये इस तरह के माशी हालात हो, 16 महीने की हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क निकाल के रख दिया और यहाँ पर गुफ्तगू जो है वो ये कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। भाई आपने इक्तदार के मजे भी तो लूटे, अभी आपने जो स्टेटमेंट्स दिखाई, 16 महीने तो सब हुकूमत में हिस्सा रहे, सब इक्तदार के मजे लूटते रहे, आज उस महंगाई से जो उन 16 महीनों में की, अवाम के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ तो घड़ना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर हमले। आप 6 महीने पहले की तकरीरें निकाल कर देख लें तो आपस में सब लवी शीरो थे, शीरो शकर थे, भाई भाई थे, एक दूसरे की तारीफें कौमी असेंबली में फ्लोर पर खड़े होकर करते थे, तो क्या आवाम को आपने बेवकूफ समझ रखा है? तो सियासत का अलमिया यह है कि सियासत इतनी दिवालियापन का शिकार हो गई है कि उसके अंदर अब सियासी जमातों के लिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट यह है कि हम इक्तदार हासिल करें, और वो भी मुकम्मल इक्तदार नहीं, इक्तदार के टुकड़े, और उसके लिए एक बेशर्माना हद तक पावर पॉलिटिक्स की जा रही है, और उस पावर पॉलिटिक्स के अलावा आवाम का तो बयानिया किसी के पास है ही नहीं। जिया साहब ने कारगिल जंग के हवाले से बात छेड़ी है, सवाल किया है कि इस पर सवाल करने की वजह से उन्हें निकाला गया था। सर अगर इस वजह से निकाला गया था तो फिर इस वक्त उनका जो एहतसाब का मुतालबा है उसमें आप लोग साथ देंगे उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जब आप एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब तो बहुत लोगों का बहुत चीज़ों पे होना चाहिए, उसमें आप स्टार्ट करें। अगर हम लेट्स से थोड़ा सा ज़रा इससे पीछे जाते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब शायद ले लें, जिन लोगों ने अगर भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर किया था तो क्या उन कातिलों को सजा मिलेगी? ये मांग किसे रहे हैं साहब? नहीं मैं तो उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जुडिशियल मर्डर किया ना, मैं तो उनके ऊपर 302 लगेगी चाहे वो जिंदा है या नहीं है। 4 में से मेरे ख्याल में एक अभी भी जिंदा है, और अगर बाकी 3 नहीं है तो क्या उनके नाम से वो चीफ जस्टिस या जस्टिस का नाम स्ट्रिप होगा? वुड दे बी शेम फॉर व्हाट दे डिड? अच्छा उसके बाद आगे चले जाएं, मियां साहब खुद आ जाते,
जिस तरीके से उन्होंने फंडिंग ली थी, जिस तरीके से उन्होंने 1990 में अपने आप को वो किया था, क्या उस चीज़ का एहतसाब होगा? क्या ये जो मनी ट्रेल्स वगैरह के इन चीज़ों, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं हज़ारों चीज़ें हर जगह पे करें, कारगिल का कर लेते हैं ज़रूर करें, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी करना शुरू करें, तो ये तो एक लंबी लिस्ट है। सर वो मुतालबा करके से रहे इस वक्त में एहतसाब का? देखिए उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही, उनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि इस वक्त उनको ला के बुला दिया है एक डील के तहत, अब उनको वो समझ नहीं आ रही कि मैं आगे कैसे जाऊँ। ग्राउंड रियलिटी जब देखते हैं वहाँ पर हर तरफ उनको पीटीआई नजर आती है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि करे तो क्या करे, जाए तो किस पास जाए, उनका बयानिया बन नहीं रहा। जो आप अपने शुरू में बता रही थी ना कि वो पलटियाँ खा रहे, वो एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रही वो बयानिया क्या बनाए, क्योंकि उनका कोई बयानिया ना उनके करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है और ना किसी भी लिहाज से वो आवाम उसको एक्सेप्ट कर रही है। सिंपल उनको कहना चाहिए कि जी बात यह है कि मैंने एक लंदन डील की थी, आ गया हूं, अब आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट आई एम हियर आई एम हम वो क्या हुक्मरान खानदान है, आप लोग सारे महकूम हो, आप लोग मुसलमाना बातें करते हैं आप, आपको समझ आ रही है सर? वैसे ये मियां साहब का मुसलसल जो है वो बयानियां तब्दील हो रहा है, और जैसा कि मोमिन साहब कह रहे हैं कि बाय भी नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मियां साहब ने अपना बयानिया शुरू किया था जब उनको निकाला गया था, और जब उन्होंने जलसे किया कि मुझे क्यों निकाला, और वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ। फिर जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई और पीडीएम के जलसे शुरू हुए, तो मियां साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की चाहे उनको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा, बल्कि मैं उनको गरेबान से ही पकड़ूंगा, गुजरांवाला के जलसे में कहा। आज उन्होंने दोबारा एक चीज़, जब हमने भी और मीडिया ने भी तनकीद की कि मियां साहब ने वो बयानिया छोड़ दिया है, तो आज उन्होंने दोबारा कहा कि जो है वो मैं सवाल करूँ, सवाल जो उन्होंने किए कारगिल के हवाले से, भी उन्होंने कहा कि मेरा डिसीजन ठीक था, मुझे क्यों निकाला उसका मैं हिसाब जो है वो मतलब है कि मैं उसका पूछ करूँगा, किससे पूछेंगे। फिर आपने जो मीनार पाकिस्तान में कहा था कि मैंने जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया मैं उनको माफ़ कर दिया, तो आपने उसके ऊपर दोबारा अपील दायर कर दी है फॉर एग्जांपल, या आपने उसके ऊपर दोबारा सोच लिया कि मैं उनको माफ़ नहीं किया और मैं दोबारा एक जो बदला है जो भी है मैं उनसे लूँगा। यही मुझे तो यही समझ आ रही है, वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि मैं जो है इनसे क्यों कर रहे हैं, क्या वो ये जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं इससे नाखुश है मियां साहब? देखिए मुझे ये लग रहा है कि मियां साहब को ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया कि पंजाब में उसकी जो है वो जो चीज़ छोड़ के गए थे एक ज़माने में वो उनके पास तख्ते लाहौर कहलाता था, हाँ वो जो है वो उनके उनका पंजाब उनके ग्रिप में नहीं है, वो अपनी हुकूमत नहीं देख रहे हैं, और जो भी वो पिछले दफ़ा यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब की बात थी कि वो पानी में दूध मिला ना, पानी में दूध भी मिला लिया तो फिर भी शायद जो है ना वो दियो से। लेकिन आपने एक बात की आज बिलाव, ये था कि 2018 में इमरान खान साहब को दूध में पानी मिलाकर लाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को पानी में दूध मिलाकर लाना पड़ेगा। सही सही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बिलावल साहब की भी बात मैंने आगाज भी की थी, तो मोहम्मद साहब की बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त की नवाज शरीफ फिर से सेलेक्ट करने वालों से लड़ेंगे, तो ये बिलावल साहब ये मुल्की मफाद में बात कर रहे हैं या खुद पे नजर करम की बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए उन्होंने बड़े ओपनली कहा हुआ है, किसको कहा है? मेरा सबसे पहले इख्तलाफ इस जगह पे है, हम सियासतदान, मैं उसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं सारे सियासतदानों की बात करता हूँ। हम सियासतदान जो है ना, हम लोग ने अपने आप को खुद इस तरह कर दिया कि हम लोग किसी की तरफ देखते हैं कि आप हमें कब सपोर्ट करोगे। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से लेट्स से बिलावल साहब कहते हैं कि अब उनको चांस मिलना चाहिए, या वो कहते हैं कि जी हम लोग जो बड़े लोग हैं उनको हट जाना चाहिए और हमें आ जाना चाहिए, और मेरे अलावा बाकी सारी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, जिसमें वो अपने वाले साहब को स्पेयर नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी सियासतदान में तो उनके वाले साहब भी आ रहे हैं। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये नहीं कहते कि भाई अवाम को इख्तियार देना चाहिए कि वो किसको चूज करते हैं। अगर अवाम बिलावल साहब को चूज करती है, सौ बिस्मिल्लाह। अगर अवाम मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार छोड़े, दसवीं बार चूज करती है, में दिया गया था सर अवाम को ये चांस वैसे। देखिए मुझे एक बात पता है कब दिया गया था, 1954 के बाद, या आप अग्री कर रहे हैं 2018 में नहीं दिया गया, 2013 में दिया गया था, आरओएस के इलेक्शन में 2013 में दिया गया था, क्या 2010 में दिया गया था, क्या 2002 में दिया गया था, क्या 2024 में दिया जाएगा, क्या 1997 96 में था, ऐसे कह लें जैसे 2008 में नहीं था, जैसे 2013 में नहीं था, उसी तरह से 2018 में भी अवाम में इख्तियार नहीं था, क्या 1971 में दिया गया था, चले जैसे 1971 में नहीं था ना, बात ये वैसे 2018 में भी नहीं था। देखिए मेरी बात सुने, इस पाकिस्तान का जो असल मसला है ना वो ये है कि आप अगेन आप बिलावल के करीब रहे हैं, तो ये जो अभी इस वक्त बिलावल साहब बात कर रहे हैं, चले आप जानते तो हैं, आप जानते तो हैं, उनसे तो मैं खबर लूंगी ना, आपसे तो मैं एनालिसिस दे रही हूँ, तो ये जो बिलावल बात कर रहे हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, मुल्की मफाद में बात कर रहे हैं या अपने लिए बात कर रहे हैं? देखिए मेरे लिए ज्यादा तो मुनासिब नहीं है कमेंट करना, एक पुरानी एसोसिएशन है तो थोड़ा सा एहतराम और इख्लाक के दायरे में रहते हुए मैं एक डिस्टेंस रखता हूँ, लेकिन विजिबली तो यही नजर आ रहा है कि वो एक स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेस उन्हें मिल नहीं रही, और उस स्पेस के सामने जो रुकावटें हायल है वो पार्टी में फैसल और दीगर दोस्तों को कोशिश करनी चाहिए कि वो स्पेस उनके लिए हासिल करें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आज पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, तो अगर वही लोग बाप के जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते तो कोई गिला नहीं था, अगर जनूबी पंजाब में जो लोग इस्तेहकाम में चले गए पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते तो कोई गिला नहीं था,
और ये अब दो एक पार्टी के अंदर मेरे ख्याल से सोचे हैं, और एक जरदारी साहब की जो सोच है वो ये है कि आप अपने आप को पावर पॉलिटिक्स के जरिए आगे बढ़ें। बिलावल साहब की जो सोच है वो इससे कदर मुख्तलिफ है। अब जब उस स्पेस की और उस सोच को जब जगह नहीं मिलती तो फिर उसके ऊपर वो आप कह रहे हैं स्पेस क्रिएट करना चाहिए पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं। सर, ये बिलावल साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जब जब आए वो तीनों बार सेलेक्ट होकर आए, शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए थे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, उन्होंने जो बात की, तो उन्होंने पिछले इलेक्शन की बात की जब उनको टू थर्ड मेजोरिटी भी मिली और टू थर्ड मेजोरिटी के बाद भी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़े, उससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़े, उन्होंने कभी भी टेंडर पूरा नहीं किया। और जो आज वो बात कर रहे हैं कि मैंने एहतसाब करने, तो 16 महीने जब हुकूमत थी उनके भाई वजीर अजम थे, तो उस वक्त ये ले आते अपने भाई को, कहते और कैबिनेट में ले आते कि ये मेरा हिसाब किताब करो इस आने के पहले, मतलब जो भी मुझे खदशात हैं या जो भी हैं और मेरे साथ जुल्म हुआ है। इसको ऐसे थोड़ा सा आसान कर लें, मियां साहब जो थे वो पिंडी के वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो आवाम के वजीर आजम थे, ये कह रही है? मैं भी बस ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी, अदम एतमाद में आपको नंबर गेम्स पूरी करें, नंबर गेम्स में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उनको जो है वो वोट किया, उसमें नहीं था कि इलेक्शन के जरिए थे, वो एक आपके पास नंबर गेम्स से मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, वो एक इतिहाद बना पीडीएम थी। सर, हर इलेक्शन के लिए नंबर चाहिए होते हैं? हर इलेक्शन के लिए नंबर चाहिए। हम ये भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं बिलावल साहब की स्पीच है, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क की आवाम को आप एक दफा तो चांस दे दें, वो भला पीएमएलएन को वोट कर दें, वो भला पीटीआई को वोट कर दें, जिसको भी वोट करें उनके जरिए आप कह रहे हैं देखें अब लोगों में शऊर आ चुका है, आपकी 60% से ज्यादा आबादी यूथ की है, मोबाइल आ चुका है, आप अगर इस दफा भी सिलेक्शन होगी या लड़लापन होगा तो आवाम उस हुकूमत को, उस पार्लियामेंट को नहीं मानेगी और वो नहीं चल सकेगी, किसी आप जिस तरीके से भी चलाना चाहिए नहीं चल सकेगी, लेकिन ये चीज़ हमें कह रहे हैं कि करने दें, अगर हमारा हम गलत हैं, हमें लोग वोट नहीं करते ना करें, हम पोजीशन बैठ जाएंगे या कोई और गलत है पोजीशन बैठ जाएंगे। सर, मरियम साहिबा के स्टेटमेंट पर कमेंट करें, वो कह रही हैं कि जो फेवर की बात करते हैं मियां साहब के उनको शर्म आनी चाहिए, और आजकल ये बात जो है वो पीटीआई से ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हम तो देखें, हम तो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने जो बात की, हमने इसलिए नहीं किया कि मैं मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि शायद हमने किया कि बलोचिस्तान पार्टी किधर गई या जहांगीर तरीन साहब किधर जा रहे हैं या किधर आ रहे हैं, बात यह है कि जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है पंजाब में, इनको भी शायद शिकायत आई हो, मुख्तलिफ लोगों से हमें शिकायत आई है मुख्तलिफ लोगों, उस वक्त भी और अभी आप देखिए ओपनली है, मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा क्या किसी खाकान नवाज़ साहब वज़ीर आज़म है ना साबिक पीएमएलएन के रहे ना, उनको मैं बोल दूँ आप लंदन जाए, आपको आके आए कमिश्नर सी ऑफ करें या वो कहीं पंजाब में विजिट पर जाए अपने मरी चला जाए, जिस तरीके से जो रवैया नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो खाकान नवाज़ साहब के साथ हो जाए, तो हम बोले कि सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है, अगर आप एक शख्स के साथ रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे ना, आपके साथ अगर लड़लापन हो रहा है और आप बोले सवाल भी ना उठाएं और आप कहते हैं कि हमें जहाँ से उतारा गया था वहाँ पे मैं दोबारा बिठा दें, आपको तीन दफा पहले बिठा दिया गया था और फिर तीन दफा साल दो बार लड़ गए थे, अभी भी जो जिस इशू पे आप लड़े थे कारगिल पे आप दोबारा उसको उठा रहे हैं कि मैंने ठीक किया था, और फिर आप अगर कहते हैं कि मेरे साथ सवाल करने पे मुझे हटाया गया, वो बकौल उनके हटाया गया था, तो 16 महीने कर लेते थे साहब भाई वजीर आजम था, आप ले आते हम कभी ना के मेंबर थे, आप तो नहीं कहा कि मेरा भाई वजीर आजम है, मुझे अपने भाई की हुकूमत में इंसाफ चाहिए, दोनों तरफ खेल रहे हैं मियां साहब, नहीं अब वो क्या रहे कि नहीं मैं आऊंगा तो मैं अपने हिसाब खुद करूंगा, और मैं उस नैब से जो कल धड़ाधड़ उनको सजाएं दे रही थी आज वही नैब धड़ाधड़ उनको कह रहे हैं, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल कोई बाजीगरी हो रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं, ये बस इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं, इनके मंशूर में आवाम का तो कहीं जिक्र ही नहीं। इनकी तकरीर इमरान खान पर तनकीद करने से शुरू होती है और मुझे क्यों निकाला पर खत्म होती है, जैसे इनके मंशूर में आवाम कहीं नजर नहीं आती ऐसे ही इनके जलसों में भी आवाम कहीं नजर नहीं आती, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, यही वजह है कि ये आवाम में बाहर नहीं निकलते, बस एक जलसा करके ये आराम से बैठ गए हैं और जलसा करने की भी इनमें हिम्मत नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।